हमने के अंदर क्या बात किया? कि हम कैसे फाइंड करेंगे तो आई का वैल्यू दिया था एनएस लेना देना नहीं तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स एनएक्स जीरो सी का वैल्यू कितना हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट सिक्स आई की वैल्यू हंड्रेड जी की वैल्यून हमारा कितना जी की वैल्यून जी uh, की इज फिफ्टी जी की वैल्यू फिफ्टी 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 मतलब ना तो कैलकुलेशन के अंदर भी टेन हमारा इंक्रीज करेगा टेन हमारा टू ट्वेंटी तो ये हमारा आ, ये जी सभी का वैल्यू वाई डी वाई डी डिस्पोजेबल है उसमें टैक्सेस को हमें माइनस करना है टैक्सेस कितना दिया है फोर्टी टैक्सेस फोर्टी करोड़ तो जो इनकम है उसमें टैक्सेस को माइनस करो वाई माइनस फोर्टी दैट इज द वाई डी ठीक है ना तो ये अब हमने वाई को एक साइड कर लो बाकी को एक साइड वाई का वैल्यू निकाल लो दैट इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नेक्स्ट इज कंजम्पशन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारा कितना हो ये बताइए तो कंजम्पशन का कितना दिया हुआ था हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वाई डी दिस इज गिवेन तो हंड्रेड प्लस वाई डी की वैल्यू कितनी है वाई माइनस टी और वाई की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है Uh, ये तो टू ट्वेंटी सिक्स ये ना आएगा वैल्यू फाइंड कर रखा है. Minus taxes, कितनी 40. और इसको इसको जो जो भी इसको आप करोगे वैल्यू आएगा वो हमारा कंजम्पशन आएगा मतलब ना वाई डी का वाई माइनस टी बस वाई की वैल्यू पुट किया टी की वैल्यू पुट किया कंजम्पशन फाइंड. सेविंग बोला है कि सेविंग कितना होगा बताइए सेविंग तो हमारा सेविंग के लिए क्या करना होगा हमने फाइंड कर रखा है यस yes. वाई हमें पता है यस yes. तो so हम ऐसे माइनस करके एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ठीक है ना दैट इज कंजम्पशन हम यहां से जीरो पॉइंट सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स बाई जीरो माइनस फोर्टी देखिए कैलकुलेशन में कहीं इधर आ सकती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ठीक है ना बट आपको काम वहां पर सही करना सो दिस इज आवर सेविंग इतना हमारा सेविंग लेवल होगा ओके okay? आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ा जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्पेसिफिक अबाउट एन इकॉनमी दिया हुआ है सी की वैल्यू दिया हुआ आई का वैल्यू दिया हुआ है जी का वैल्यू टी दिया हुआ है इक्वलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड नहीं करेंगे कंजम्पशन फाइंड नहीं करेंगे एवरी सिंगल पर्सन मैं बोला ना कि एक बार आपको वो ट्रेंड जो है ना कि ट्रेंड अभी ये चल रहा है ये चल रहा है तो तो जिस तरीके से स्टेटस लगाया जाता है कि ट्रेंड चल रहा है चल रहा है उसी का स्टेटस उसी तरीके से वे, आई आपके, आपके, तो होप कि सारे लोग डिसिप्लिन को मेंटेन रखें थिंग जो इस को बनाएगा वो डिसिप्लिन मजाक करने में टाइम किसी को नहीं लगेगा ठीक है ना तो गाइज अगर मैं कहीं भी गया हूं तो ट्राई करेंगे आप अपना काम काम मतलब ठीक है ना ये सो इस तरीके से हम इक्विब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दे रखा था सारे का वैल्यू कंजम्पशन भी फाइंड कर लेंगे उसी तरीके से बिल्कुल फिर क्या बोला है द प्रोपोर्शनल ऑफ नेशनल इनकम कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट एज टैक्सेस द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एस टैक्सेस कितना नेशनल इनकम है जो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया टैक्सेस के फॉर्म कितना प्रोपोर्शन है बताइए ओके okay. कितना नेशनल इनकम है जो कलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट एज टैक्सेस तो टैक्सेस टैक्सिस हमारा दे रखा है कितने करोड़ का टैक्सेस हमारे क्वेश्चन के दिया है हंड्रेड करोड़ का ओके okay. हंड्रेड करोड़ की दे दिया टैक्सेस की वैल्यू द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कलेक्टेड गवर्नमेंट कितना नेशनल इनकम का प्रोपोर्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस के फॉर्म में रखा गया है ये चीज कोई से हम लोग कैसे फाइंड फाइंड कर कर टैक्सेस तो तो दे रखा है है तो ये क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं बनता कलेक्टेड इनकम लिया तो लेवल जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आता है तो वो बताते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है so simply, That is 25, तो हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव दैट इज फोर दिस इज फोर इज आवर मल्टीप्लायर सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कलेक्टेड बाई गा इनकम जो आया उसमें से कितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी ये आई डोंट नो अबाउट कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है मुझे पता नहीं ओके okay? मुझे पता नहीं आ, अगर होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये क्वेश्चन बता रहा है कि बताइए कितना टैक्स है जो नेशनल इनकम में से लिखा है टैक्सेस तो दे रखा है सौ करोड़ का अब क्या अब अब, अब इसको कैसे बताऊं ठीक है ना दैट्स देट्स वी लिफ्ट दिस पोर्शन लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी दो पार्ट सारे को तो समझ में आया हो बाकी दो पार्ट जो है लेवल ऑफ़ मल्टीप्लायर दोनों दोनों को को तो सारे को समझ में आया होगा, है ना अगर हाँ, अगर थर्ड पार्ट अगर किनी को समझ में आता है तो आप बता सकते कि ऐसा, द कंजम्पशन फंक्शन सी डिराइव द सेविंग फंक्शन सेविंग फंक्शन डिराइव करी अब हम नहीं बनाने वाले अब ये सारे क्वेश्चन आपको ऊपर छोड़ने वाले ठीक है ना और मैं रिकॉर्डिंग के अंदर इसका

Yes or no? We deal with this type of question. We deal deal with with this this type type of 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 question. question. All of you. All you. you guys. Yeah. तो एवरी Everyone. यार एवरी वन बोलू तभी आप मैसेज नहीं करें अगर आ रहा है मैं मैं अगर पढ़ने का मेरा तरीका होता है कि मुझे आ रहा है समझ तो में तो हाँ हाँ हाँ. नहीं आ रहा है तो ना 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 इसलिए सिंपली अगर आ रहा है तो हाँ भैया आ रहा है बस यस नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो मैं लटका रहूंगा एक ही क्वेश्चन के रखा है बिल्कुल अच्छा जहां पर ये स्मॉल सी है बिल्कुल अच्छा अच्छा आई जी टी सारा दे रखा है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी वाई डी की वैल्यू को वाई माइनस टी की वैल्यू एटी करो दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन किसी को कोई दिक्कत एनी एनी प्रॉब्लम सिंगल रिपीटेड क्वेश्चन बस वैल्यू हमारा बदला गया और कुछ नहीं हम y वाई सी प्लस आई प्लस जी लिखेंगे तो है नहीं। c की वैल्यू को पुट करेंगे i की वैल्यू को पुट करेंगे g की वैल्यू को पुट करेंगे y को एक साइड ले जाएंगे और जो भी आएगा वो y का वैल्यू आएगा अब y की वैल्यू आ गई तो c का वैल्यू दे रखा है बीस प्लस जीरो पॉइंट एट y minus 80 तो y की वैल्यू को पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम आगे बढ़ा जाए मल्टीप्लायर क्या है तो भैया c तो आपको दे रखा है 0.8 small c इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लायर 1y 1 minus 0.8 1y 0.2 10y point आइए ऊपर 10 by 2 five five इज आवर what मल्टीप्लायर आगे बढ़ा जाए बिल्कुल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इकोनॉमी सी आई जी टी सारा दे रखा है बोला ना एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद रेपिटेशन वो जो होता है ना ट्रेंड ये ट्रेंड देखो सभी क्वेश्चन के अंदर सी दिया आई दिया जी दिया टी दिया बताइए इक्विलिब्रियम लेवल एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी की वैल्यू बताइए बिल्कुल फाइंड करना चाहिए आराम तरीके से मैं ये सारे क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ता हूं आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारे क्वेश्चन को फोन के अंदर है तो आप तो स्क्रीन ले सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये आप चाहे तो आप इस चीज को स्क्रीन आप ले सकते हैं तो मैं ग्रुप के ऊपर डालूंगा तो ले सकते तो आप प्लीज ये ट्राई करिए ये क्वेश्चन फिर ये हमारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट डाटा ओके टू थाउजेंड एटीन के अंदर ये कब आया था

सभी को ये पार्ट सॉल्व करना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यस यस लेट्स कम टू पार्ट नंबर बी वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल सी का वैल्यू फाइंड करना है तो वाई अगर हम यहाँ पे पता कर लिए तो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर पुट करके हम सी की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं सेटिंग तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व इफ जी की वैल्यू इंक्रीजेस टू 150 व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल जी की वैल्यू बढ़ा दिया गया 150 करोड़ बढ़ा बढ़ा दिया गया कितनी किसकी जी की वैल्यू को तो लेवल नया क्या होगा ये तो आप फाइंड ऐसे कर सकते हो भैया वी लर्न ये हमारा क्या है मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर और ए, ए क्या ऑटोनोमस मतलब क्या गवर्नमेंट जो भी अदर पार्ट है जो बढ़ाया गया अदर फैक्टर कितना दिया है 150 तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी सी की वैल्यू दे रखा है 0.5 तो यहां से हम लोग 1 by 1 minus 0.5 into 150 तो जो इनकम के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा 0.5 into 150 ऊपर 10 by 5 into 150 5 ये two टाइम

सी बार आई बार जी बार है ना टी बार टैक्सेस सारा सारा ये सब आई ए की वैल्यू को माना यहाँ पर जी की वैल्यू को बढ़ रहा है ठीक है ना तो ए बढ़ा एक सौ पचास इनकम कितना सा बढ़ेगा मल्टीप्लायर फाइंड की कितना मल्टीप्लायर टू है मल्टीप्लाई करो वन फिफ्टी टू टू दैट इज थ्री हंड्रेड करोड़ से हमारा इनकम लेवल में बढ़ेगा ओके okay? आगे बढ़ा जाए अपने रथ को आगे बढ़ाएं

कैसे फाइंड करें तो ये हल्का सा अलग है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस को दे रखा है कुछ फंक्शन के फॉर्म में टैक्सेस को फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है तो इस इसको थोड़ा सॉल्व करते ओके सो सी आई जी दे रखा है तो y इज इक्वल टू व्हाट सी प्लस आई प्लस जी यस ओके सी की वैल्यू कितनी है 100 0.8 yd ओके वाई डीज इक्वल टू हमें क्या पता है वाई माइनस टी यस अच्छा टी की वैल्यू कितना दे रखा है भैया माइनस वन फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव वाई ये और इसे अगर माइनस uh, अंदर लेके जाए तो वाई माइनस माइनस प्लस वन फिफ्टी और माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वाई है ना और इसे अगर कैलकुलेट करते वन वाई माइनस वैल्यू ऑफ वाई डी ये सोनो इस तरीके से हमने सिर्फ टैक्सेस की जो कैलकुलेट वाई को एक साथ लिया ये हमारा वाई वाई डी की वैल्यू आ गया इस वाई डी को वैल्यू को पुट करना है ठीक है ना वाई डी को वाई डी की पे पुट करना है वैल्यू को यहां. तो C की वैल्यू कितना है 100 प्लस 0.8 पॉइंट वाई डी की वैल्यू कितनी लाए जीरो प्लस आई की वैल्यू दे रखा है हाँ, वाई okay. तो हम लोग फाइंड कर ले एक साइड ले जा करके 100 प्लस ये 0.8 और 0.75 इसका मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए ये Uh, 8740 uh, 60 दैट इज आई होप पॉइंट कितना आ रहा है ए, एक बार मुझे बताना मेरे हिसाब से तो ये 0.6 आ रहा है 0.6y ठीक है ना और इसे अगर कैलकुलेट करते हैं 10 पॉइंट कैंसिल 15 8 जा, 120 plus 60 plus 80 आपको आराम से कैलकुलेट करना है वहां पे ठीक है

अच्छा वन माइनस सी सी की वैल्यू कितने दे रखे क्वेश्चन में जीरो पॉइंट एट वन माइनस जीरो इनकम के अंदर हमारा कितना चेंज हुआ होगा तो इनकम चेंज किया हमारा फाइव बिलियन डिक्रीज किया तो ये इनकम कितना हुआ होगा ये वन बाई जीरो पॉइंट टू इंटू माइनस फाइव बिलियन ये कितना जीरो पॉइंट ऊपर हंड्रेड बाई टू टेन बाई टू इंटू माइनस फाइव बिलियन दाइव इंटू माइनस फाइव बिलियन दट इज माइनस ट्वेंटी होगा क्या इनकम सो नेक्स्ट जो आया होगा वो एट ट्वेंटी फाइव करोड़ आएगा एट ट्वेंटी फाइव करोड़ आप अगर चाहे तो इसके अंदर भी सेवेंटी फाइव करके देख ले वैल्यू आपका सेम आएगा दोनों तरीके से वैल्यू सेम आएगा समझ रहे ना एट ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीस, बिकॉज हमारा फाइव बिलियन डिक्रीज किया जिसके कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ होगा फाइव से माइनस बिलियन हुआ होगा change, करेंगे, ना दिस पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज सी वट इज डेफिसिट नेट गवर्नमेंट डेफिसिट कितना गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ होगा बताइए ठीक है ना गवर्नमेंट को कितना डेफिसिट हुआ होगा ओके okay. ये गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट है ये बताइए हमारा ठीक है ना तो इसके लिए क्या हमारा डेफिसिट कैसे पता करेंगे कि घटा कितना है घटा कब होगा जब आप ज्यादा खर्च करेंगे जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा खर्च करेंगे खर्च का मतलब सरकार की खर्च और और सरकार का इनकम टैक्सेस तो गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग की बात करें खर्च कितना कर रहे सेवेंटी फाइव बिलियन टैक्सेस की अगर बात करें टैक्सेस कितनी है हमारी दैट इज माइनस वन फिफ्टी प्लस टू फाइव वाई ये ना वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे सिंपली और जो भी आएगा वो हमारा डेफिसिट की वैल्यू आए जो भी आएगा हमारा वैल्यू वो डेफिसिट की वैल्यू आएगा दैट इज सेवेंटी फाइव एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च कर रही है सरकार को इनकम क्या है टैक्सेस से कितना है हमारा माइनस वन फिफ्टी जीरो पॉइंट टू फाइव वाई है ना ये और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल रखे आठ सौ पच्चीस दैट इज प्लस वन फिफ्टी माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस को अंदर कर लेते हैं प्लस इसे तो टू ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू एट Uh, uh, 825 और जो भी इसकी वैल्यू आएगा वो हमारा डेफिसिट में काउंट किया जाएगा कि ये हमारा डेफिसिट ठीक है ना कितनी लेवल हमारे इतनी बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट है सो दिस इज आवो ये क्वेश्चन रहा ठीक है तो तीन पार्ट था हमने तीनों पार्ट को सॉल्व करके देखा पहला इक्लोबियम लेवल क्या है वो तो सिंपल सेम तरीका गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम किया गया कितना 80 से 75 तो अब क्या करेंगे जी की जगह पे 80 से 75 लिखेंगे और फिर से वही प्रोसेस अपना लेना है या आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से है ना कि हमारा चेंज हुआ माइनस फाइव का मल्टीप्लायर इतना है तो इनकम इतना चेंज पहले नौ सौ था अब उसमें पचहत्तर माइनस करो सो तीसरे ओके ने, ने, नेक्स्ट वन इज नेट गवर्नमेंट डेफिसिट तो डेफिसिट कितना खर्च हुआ माइनस कितना इनकम इनकम टैक्सेस खर्च कितना कर रहे हैं पचहत्तर का इनकम क्या है टैक्सेस टैक्सेस का फॉर्मूला लिख करके वाई की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते करकेटिंग माय पॉइंट सो दिस दिस इज़ द क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन के अंदर किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम एनी पोर्सन अब हमारा दो तीन क्वेश्चन और रहा है बस किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम एनी पोर्सन एनी पर्सन प्रीतम खुशी हितार्थ गोपी अमित एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन न्यू स्पेंडिंग लिखना है ये अगर आप कर देते हैं तो ठीक है नहीं करे तो नहीं आप यहाँ पर अगर ये हरितार्थ अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये चीज है तो बहुत अच्छी बात है कि भैया हमारा रिड्यूस होने के कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारा जीडीपी डी या इनकम कितना रिड्यूस हुआ पच्चीस तो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay?

तो ये इनकम दिखा रहा है ये कंजम्पशन दिखा रहा है ये ओके okay. तो इनकम जो है वैस, पहले इनिशियली हंड्रेड थी तो इनिशियली एमपीसी मानते इनिशियली क्योंकि चेंज नहीं किया अब हमारा चेंज किया हंड्रेड ये कितना हो गया सौ से दो सौ तो इनकम लेवल में कितना चेंज हुआ डेनोमीटर हंड्रेड ओके जिसके कारण हमारा कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज हुआ एटी फाइव से वन सिक्स दी फाइव लेवल

उसी तरीके से आप सेकेंड भी निकालना फिर से कितना चेंज इनकम सौ का अच्छा लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन कितना चेंज किया फोर्टी प्लस सेवेंटी फाइव फिर से कितना का चेंज हुआ सेवेंटी फाइव का फिर से चेंजेस फिर से तो सेम ये चलते रहे देख लेना आप एक बार कैलकुलेट करके ये सेवेंटी फाइव फिर से फोर्टी प्लस 35. ठीक है ना ये तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि कैसे हमारा अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना होगा एटी फाइव इसका अगर बात करें तो ये हमारा फाइव सेवेंटी फाइव यहाँ पर तो ये हमारा जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली कुछ नहीं है सी में कितना चेंज हो रहा है हमारा वाई में कितना चेंज हो रहा है उसे कैलकुलेट करेंगे हमारा MPC सी की वैल्यू आएगा ठीक है फर्स्ट में एम मतलब एमपीएस फर्स्ट में कितना होगा

लेवल ऑफ इनकम बिल्कुल फाइंड करना होगा आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिस टाइम इज नॉट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बट वी नो मल्टीप्लायर इज सेम एस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यस नो यस वी डिराइव ना कि मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है Achha, कितना होगा सी की वैल्यू दे रखा है That That is 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 our so is our our by So investment multiplier. Okay? Okay na? If G increased What is the new उटपुट दो सो करोड़ से बढ़ गया तो आप इसको वन है. दो सौ करोड़ बढ़ा करके आप थ्री फिफ्टी भी लिख सकते मतलब ना जो जो वो फार्मूला होगा Y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX. एन एक्स जीरो जी की वैल्यू आप यहाँ पे थ्री फिफ्टी लिख दो या आप क्या करते हो तो कि, कितना चेंज किया न्यूक्लिबरियम लेवल बताइए गवर्नमेंट ऑफ बढ़ा तो हम जानते हैं भैया एक फॉर्मूला आपने बताया से ये डिराइव भी हम कर चुके हैं विडो के अंदर तो ऑटोनोमस पार्ट में चेंज के कारण इन, इनकम में कितना ऑटोनोमस पार्ट बढ़ा है कितना दो सौ करोड़ अच्छा मल्टीप्लायर कितना है टू पॉइंट फाइव तो इनकम कितना बढ़ेगा देख लो पॉइंट 25 दैट इज 15 500 करोड़ रुपीस है ना दैट इज हमारा 500 करोड़ रुपीस इंक्रीज होगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग 200 करोड़ बढ़ाने की वजह से हमारे न्यू इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 500 करोड़ ज्यादा होगा कटिंग माय पॉइंट एवरीवन एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट हियर स नोट यस और नो क्या आप सो रहे हैं या समझ में आ रहा है यस yes. सौरभ अमित प्रीतम गोपी चेक कर लेना नहीं फाइव हंड्रेड करो देख लो देख लो गोपी देख लो पॉइंट क्वान्टिटा ऑफ जीरो इंटू ट्वेंटी फाइव कितना बनेगा गोपी कितना बनेगा ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी दिस इज ग्रीज बाई टू हंड्रेड करोड़ सी ठीक है ना एक जीरो बैठा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यस दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टू लेक्चर कब पूछा गया इक्कीस के अंदर नहीं बनाओगे बनना चाहिए वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वाईज इक्वल टू सी की वैल्यू ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई डी आई की वैल्यू दे रखा है दो सौ की वैल्यू दे रखा है नब्बे अच्छा वाई डी को हम क्या करते हैं यहाँ पर वाई माइनस टी तो वाई माइनस टी की वैल्यू एट्टी तो वाई डी की जगह पुट करो ताकि वाई में कन्वर्ट कर, कर लिया जाए तो वाई माइनस एट्टी प्लस टू हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड ना लास्ट क्वेश्चन है दैट्स ना वाई इज इकू टी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई अच्छा पॉइंट ये क्या माइनस ये टेन जीरो हटेगा सिक्सटी फोर प्लस टू हंड्रेड प्लस नाइनटी This. ये, को ये तो y को इधर लेकर के आइए तो 0.2 पॉइंट टू वाई ट्वेंटी और ये आप अगर करते हैं तीन सौ दस सिक्सटी फोर सिक्स फोर टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स वाई इज इक्वल टू टू फोर्टी सिक्स जीरो पॉइंट टू ऊपर में टेन आप इसे टू से वन टू थ्री टू टेन टू थ्री जीरो करोड़ दिस इज आवर इक्म लेवल ऑफ इनकम ये सोन नो हाँ दिस इज आवर इक्म वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर आप फाइंड कर सकते हो कैसे सी की वैल्यू दे रखा है ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई डी दिस इज स्मॉल सी जीरो पॉइंट एट दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन वाई वन माइनस सी वन वाई जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट एट वन बाई जीरो मल्टीप्लायर एनी प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम आर यू गेटिंग आर यू गेटिंग आर यू गेटिंग यस सभी लोग क्या समझ में आ रहे हैं डिस्क ऑन ऑन नोमिकल क्वेश्चन एंड दिस इज द ऑल द क्वेश्चन टू टू थाउजेंड वन ठीक है ना कि इतने क्वेश्चन पूछे ओके